यहाँ पर अपनी बात रखनी है, तो मैं अब पहले श्वेता जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं उनके बारे में संक्षेप में बताएं, कुछ सवालों के जवाब में फिर हम बात आगे रखें। जी सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी श्री अशोक तंवर जी का, जिन्होंने मुझे मंच शेयर करने का मौका दिया और अपनी बात कहने का मौका दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में पारदर्शिता पागल हो चुकी है, क्योंकि ये पारदर्शिता नहीं रही है, पर्दा रिश्ता रोक हो गया है। संक्षेप में मैं पढ़ती हूँ, एक केस हुआ HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में उस पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स थी। पहली बात, ये 5 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, उसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा, मिस्टेक्स इस प्रकार की कि कई बार क्वेश्चंस गलत हैं या उनके आंसर ऑप्शंस गलत हैं या कोई भी ऑप्शन नहीं है या मल्टीपल ऑप्शंस हैं। 10 क्वेश्चन गलत करके 8 क्वेश्चंस के 2 आंसर्स दिए, जहाँ पर इन्होंने थोड़ी चालाकी की, क्योंकि इनकी खुद की हाई कोर्ट में सबमिशन है कि 15 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो क्वेश्चन पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। तो 10 क्वेश्चन गलत थे, लेकिन 8 क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? तो वो चालाकी करके इन्होंने किसी भी तरीके से प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। उस प्रोसेस के ऊपर हमने केस किया, केस का नंबर है CWP 15002/2019, श्वेता ढुल एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। इस केस के साथ 26 और केसेस जुड़ गए, जिसमें 350 से 400 पिटिशनर्स हैं। इस केस में 27 एडवोकेट पिटिशनर्स की साइड से हैं, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट्स, और इस केस में HPSC की तरफ से 5 प्राइवेट पैनल के एडवोकेट्स हैं। इस केस में कुल खर्चा स्टूडेंट्स का 25 से 30 लाख रुपए हो चुका है, और सामने से HPSC का मैं मानती हूँ इक्वल या उससे ज़्यादा हुआ है। तो ये है, ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये एडवोकेट्स की लिस्ट है, ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। 12 हियरिंग्स होने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड रिबटल सब कुछ होने के बाद 23 तारीख को हमारा जजमेंट रिजर्व कर दिया जाता है। अब इस पेपर में क्या प्रॉब्लम थी, इस पेपर ये क्वेश्चन पेपर वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 एंड 320 को। इट ऑल्सो वायलेट्स फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16। और इसके बाद ये HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स 2008 एंड इट्स अमेंडमेंट 2016 को भी वॉयलेट करता है। तो इसमें फैसला आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर ये केस डिसमिस होता है तो सरकार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती मैं मानती हूँ हो सकती है इस चीज़ में, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये पेपर कैंसिल होना। तो इसके बाद 23 तारीख को हमारा जजमेंट रिजर्व कर दिया जाता है, 24 तारीख को हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का गठन हो जाता है, जो कि सिर्फ कागज़ों में है, और 25 तारीख को हमें ऑर्डर मिलता है कि हमारा केस HAT में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब HAT में हम कहाँ जाएँ, ज़मीन पर उसका अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ कागज़ों में है। और वो ऑर्डर भी आता है 28 तारीख को वेबसाइट पे। 29 तारीख को इस एग्ज़ाम की अगली स्टेज मेंस अनाउंस कर दी जाती है कि मेंस एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त के सेकंड वीक में। अब आप हमें ये बताइए कि हम कहाँ जाएं, कोर्ट बंद है, कोर्ट में LPA लगाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ किसी एडवोकेट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, कोई लिटिगेंट नहीं जा सकता है, फिर भी फाइल करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये मेंस का नोटिफिकेशन है जो इन्होंने जारी कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे षड्यंत्र है, ये ज़बरदस्त वाला, कि कैसे भी करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दें, जो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, इतने आर्टिकल्स वायलेट कर रहा है, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स को वायलेट कर रहा है पेपर, और सिमिलर ग्राउंड्स पे इन्होंने पहले भी पेपर कैंसिल किए हैं खुद सुओ मोटो। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के षड्यंत्र के कारण ही किया जा रहा है, और सिर्फ यही पेपर नहीं है, मैं शॉर्ट में और पेपर्स भी आपको बताना चाहूँगी। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का पेपर हुआ, ये पेपर 92% कॉपीड था UGC नेट 2007 के एग्जामिनेशन पेपर से। इतना बड़ा कमीशन और ऐसा सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनर क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये तो मतलब ये इट इज़ अ काइंड ऑफ लीकिंग पेपर। आप बता दो कि 2007 के UGC के पेपर से आएगा, वहीं से बच्चे पढ़ के चले जाएंगे। तो कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट इससे पहले रद्द करती, इन्होंने खुद रद्द कर दिया, फिर एग्जाम लिया दोबारा असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का, जिसमें दोबारा 40% क्वेश्चन कॉपीड थे सेम कुंजी से। ये मजाक हो रहा है बच्चों के साथ, हमारे भविष्यों के साथ। हम बार बार रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं, हम बार बार कोर्ट जाते हैं, हमारे पास पैसे खत्म हो
जाते हैं, हमारे सामने बड़े बड़े प्राइवेट काउंसिल्स, सीनियर काउंसिल्स आके खड़े होते हैं। जिस दिन ये पेपर हुआ, ये मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, उन्होंने मना कर दिया, वो ये मेल लिखी है एचपीएससी को, डेट देख लीजिए आप, 12 को पेपर हुआ है, 13 को ये मेल गई है, जहां ये रोल नंबर मेंशन है 60975 कि ये अपनी ओएमआर ब्लैंक छोड़ के आए हैं, प्लीज़ आप इसके बारे में जांच कीजिए। और इसका जो टेस्टिफाई किया है वो 60976 जो इसके पीछे रोल नंबर बैठा हुआ है उसने भी किया है, और इनकी क्लास के हर बच्चे कर सकते हैं, लेकिन वही अलग। और फिर ये रिजल्ट आता है जिसमें 60975 पास है, खाली पेपर वाला पास है, ओएमआर ब्लैंक छोड़ी जा रही है, बाहर भरी जा रही है, ओएमआर स्कैनिंग मशीन नहीं है इनके प्रेमाइस में, वो बाहर जाके बाहर प्राइवेट कोई चेक करता है इनका पेपर और वहाँ ये सब भरे जा रहे हैं। ये हुआ इंग्लिश की बात। अब मैं आपको बताती हूँ नायब तहसीलदार जी, 13 जुलाई। अब नायब तहसीलदार का मेरे ख्याल सब न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ था कि लीक हुआ है पेपर, बहुत ज़्यादा इसकी खबरें आई थी अखबारों में, पर उसको भी दबाने की भरपूर कोशिश हुई, रेवाड़ी में उसकी FIR हो गई, व्हाट्सएप पे वो पेपर घूम चुका था, हम उसको भी चलो लगा के चले कोई बात नहीं, सेम डे पे ये अनाउंसमेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट पे कि ये 6 सेंटर्स हैं जहाँ हमने बायोमेट्रिक स्कैनिंग नहीं की, इट इज़ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 एंड 16 विच सेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिली, ये 6 सेंटर्स क्यों, बायोमेट्रिक स्कैनिंग क्यों छोड़ी गई, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी कट ऑफ बुला के सील्ड कवर में खुद देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा ये घोटाला है। 131% यहीं दिए क्या? नहीं सर, वो HCS एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में 2-3 और चीज़ें रहेगी, वो ये है कि 166 टोटल पोस्ट थी एडवर्टाइज जो की गई हैं, और इन्होंने अपने रूल्स में मेंशन किया कि हम 12 गुना लेंगे, 12 गुना 166 1992 होता है, 3 ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स 1995, इन्होंने लिए 2211 लोग, वो 216 एक्स्ट्रा लोग कौन लिए हैं और क्यों लिए हैं इसका जवाब दें। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे सबूत है, अगर मैं क्वेश्चन पेपर पे आती हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस, इन्होंने 18 क्वेश्चंस रेक्टिफाई कर दिए फर्स्ट पेपर में। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ड्वार्फ प्लैनेट व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 2005, पहले इन्होंने दिया एरिक, देन दे गिव एरिस। अब इसकी RTI है मेरे पास, ये रही इसरो से RTI, इसरो कहता है कि 2005 में मेक प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, इसरो कहता है 2005 में मेक प्लैनेट डिस्कवर हुआ है, और वो ऑप्शन में ही नहीं है। अब ये ऐसे एग्जाम हम कोर्ट में और भी है, मतलब 5 क्वेश्चंस और हैं, RTIs है मेरे पास, सब कुछ है, अगर आप कहेंगे तो मैं सब कुछ ऑन कैमरा दिखाने के लिए तैयार हूँ। इनको हम बाद में पूरा सेट दे देंगे जी। हो गया मोटा मोटा रिजल्ट निकाला जाता है परसेंटाइल बेसिस पे, अगर आपको पता होगा कैट मैट परसेंटाइल कभी भी 100 से अबव नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इनकी परसेंटाइल है 130.31। मैंने कोशिश की कि IIM के प्रोफेसर इनको सर्टिफाई कर दें, कुछ कर दें, पर कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। ये अंडर करंट इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। अब मैं इसमें सिर्फ यही नहीं, ADA का एक पेपर हुआ, ADA के एग्ज़ाम में 190 पोस्ट इन्होंने टोटल दी थी, जिसमें इन्होंने रिजल्ट निकाला और कहा कि 6 पोस्ट हम वेकेंट छोड़ रहे हैं क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इन केसेस के ऑर्डर हैं। फिर हफ्ते बाद रिवाइज रिजल्ट निकलता है और ये लिखते हैं कि हमने बैठकर सोचा कि इनका रिजल्ट भी निकाल देते हैं, तो हम इनका रिजल्ट भी निकाल रहे हैं, कोई वेटिंग लिस्ट मेंटेन नहीं है, पीछे कुछ मेंटेन नहीं है, वो रिजल्ट निकाल दिया जाता है, इंक्लूडिंग 6 के 6 पोस्ट का निकाल दिया जाता है। अगर ध्यान से रिजल्ट देखेंगे आप, उसमें भी फिर नीचे लिखा जाता है कि 1 पोस्ट हम वेकेंट छोड़ रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर है, जबकि 190 पूरे लग चुके हैं। अगर कोई ध्यान से देखे, इंग्लिश वो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है कि कंफ्यूज हो जाए वहाँ पे। तो ये जो मुझे लगता है, सिर्फ ये नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के क्वेश्चन पेपर्स में मिस्टेक्स को डाला जाता है। फिर
बहुत सारे पेपर्स में रिवाइज्ड आंसर की नहीं दी जाती, सीधा रिजल्ट निकाल दिया जाता है। हम पूछते हैं आरटीआई लगा के कि रिवाइज्ड आंसर की तो दीजिए, क्योंकि मिस्टेक्स हम तो पूछेंगे आपने रेक्टिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं, रिवाइज्ड आंसर की आती नहीं। फिर उसके बाद हम आरटीआई लगाते तो कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट ओवर येट, इसलिए हम आपको जवाब नहीं देंगे। उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, सीधा ज्वाइनिंग हो जाती है। हम फिर जाते हैं दोबारा पूछते हैं, आरटीआई लगाते हैं, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, एसआईसी, 8-9 महीने 10 महीने निकल जाते हैं, हम लोगों को मिलता है जाके, मान लीजिए उसमें एक दो कमियां आ गई, कोर्ट जाते हैं। यहाँ इन स्टेजेस में आप मान के चलिए कि 90% लोग हार जाते हैं, तभी तो आरटीआई खत्म कर रहे हैं। कोई 10% पहुंचा हाईकोर्ट तक, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचते पहुंचते क्या होता है, हम कोर्ट को कहते हैं कि सर ऐसा ही गलती हुई है, कोर्ट कहती है कि ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो वो मैटर अपने आप ही इनफ्रक्चुअस हो जाता है। कुछ नहीं, ये मुझे लगता है प्लान्ड वे है, एक बड़ा ही अच्छा एक षड्यंत्र है कि कैसे कैसे किस स्टेज पे कैसे आउट करना है और कैसे कर सकते हैं, कितना इन्हें थका सकते हैं, कितना इन्हें डरा सकते हैं। आज डर की राजनीति हो रही है, कोई बच्चा सामने आने के लिए तैयार नहीं है। डर क्या है कि अगर सामने आए तो टारगेट होंगे, इंटरव्यू में टारगेट कर लिए जाएंगे, ऑफिसर नहीं बन पाएंगे कभी भी। तो ये हम जब मेंस देते हैं, मेंस में हमारे एग्जाम पेपर से सब क्या किया जाता है, नहीं ये लंबा हो जाएगा श्वेता जी, आप जो है ना ये आपसे अलग से इंटरेक्शन भी कर लेंगे इसके बाद जो पूछना है। सवाल बाद में है, इतना ही है कि खुद नौकरी करते खुद करते करते ये नहीं है, ये आरटीआई लगाते हैं, ये तो इन्होंने अपने लिए लगवाई है। नहीं अभी अभी करवा देंगे, हाँ एक सेकंड ये करके फिर कर लेंगे। हाँ सर, टेलीग्राम पे एक मुझे पता नहीं था सेटिंग है कुछ, टेलीग्राम में क्या है उसमें सीक्रेट चैट का कुछ ऑप्शन है और सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजेस होते हैं कुछ। आप कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ही बात कर रहे हो, आप कांग्रेस में शामिल हो या नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है।